वेलकम टू लास्ट यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक हिमाचल अपडेट्स सीरीज के अंतर्गत एक विशेष लेक्चर लेके आया हूँ, जिस लेक्चर का नाम रहेगा हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान विशेषांक। इसमें हम लोग आज डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बारे में, क्योंकि आपको ज्ञात ही होगा कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में 13वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे। तो इस चुनाव से संबंधित बहुत ज़्यादा प्रश्न आप लोगों से किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। आज के इस विशेषांक में हम लोग डिस्कशन करेंगे जो हिमाचल प्रदेश में अभी तक के 6 मुख्यमंत्री रहे हैं उनको किस तरह से याद करेंगे, किस किस मुख्यमंत्री की क्या क्या अचीवमेंट्स रही है, ठीक है, या कौन सा मुख्यमंत्री कितने टाइम तक प्रदेश में रहा है। तो आप लोग पहले ही स्लाइड में यहाँ पे फ्रंट में देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे 3 आपको ऊपर फोटो दिखाया गया, 3 नीचे दिखाई गई है। जो ये ऊपर वाले हैं इन 3 को आपने याद रखना है, ये जो हमारा पहले का हिमाचल था उसके संबंधित थे, जो आधुनिक हिमाचल है ये नीचे वाले 3 उस आधुनिक हिमाचल के निर्माता के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश का स्ट्रक्चर क्या रहा है। आपको ज्ञात ही होगा कि हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का निर्माण किया गया था। उसके बाद हिमाचल प्रदेश 1948 से 1951 तक मुख्य आयुक्त क्षेत्र रहा था। उसके उपरांत 1951 से लेकर 1956 तक हिमाचल प्रदेश ग श्रेणी का राज्य बनाया गया। यदि हम लोग बात करें 1965 से 1971 तक, तो हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसके बाद आप देखेंगे 1971 में 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है, तब हिमाचल प्रदेश देश का 18वां राज्य बना था। और वर्तमान में यदि हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसमें 12 जिले हैं, ठीक है। जनसंख्या के आधार पर बात करें तो सबसे जो बड़ा ज़िला है वो कांगड़ा है। यदि हम लोग क्षेत्रफल के आधार पर बात करें तो सबसे बड़ा ज़िला लाहौल स्पीति है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हिमाचल का थोड़ा सा आपको ज्ञात हो गया हिमाचल प्रदेश कब से बना था, किस तरह से हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ा। इस स्लाइड में आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे मुख्यमंत्रियों के नाम बताया गया, 6 चेहरे मैंने आप लोगों को बताए थे। उसमें सबसे पहला चेहरा था डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी का, दूसरा था ठाकुर रामलाल जी का, तीसरा था शांता कुमार जी का, चौथा था वीरभद्र सिंह जी का, पाँचवा था प्रेम कुमार धूमल जी का, और छठा जो चेहरा आया हुआ वो है श्री जयराम जी का। तो ये 6 लोगों के चेहरे आपने याद रखने हैं और इनके कार्यकाल में क्या क्या अचीवमेंट्स है उसको भी हम लोग आगे देखेंगे और कितने टेन्यूर्स में रहे हैं, ठीक है। ये जो 6 मुख्यमंत्रियों के नाम मैंने बताया चेहरे से, आई थिंक आपको ये याद होने भी शुरू हो गए होंगे। इनके दलों के बारे में भी आपने याद रखना है। यदि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के दल का हम लोग पता करें तो उनका कांग्रेस से संबंधित रहे हैं। यदि दूसरे मुख्यमंत्री बने हैं जो ठाकुर रामलाल जी, इनका भी कांग्रेस दल से ही इनका संबंध रहा है। तीसरे की बात करें, यहाँ पे आपने बहुत ही ध्यान से देखना है, जब पहली बार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस से सत्ता किसी और दल में गई थी तो उस टाइम 1977 में जो शांता कुमार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे इनकी पार्टी कौन सी थी, जनता पार्टी थी। वर्तमान समय में जनता पार्टी क्या बन गई है, भारतीय जनता पार्टी बन गई है। तो यहाँ पर आपने याद रखना है जो हिमाचल प्रदेश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई गई थी श्री शांता कुमार जी के नेतृत्व में 1977 में, ये सिर्फ 3 वर्ष तक की 1977 से 1980 तक की इन्हें सत्ता का भोग मिल पाया था। इनका दल कौन सा था, जनता पार्टी था। इसके बाद आगे बात करें तो वीरभद्र सिंह जी आए जो कि कांग्रेस से संबंधित है। शांता कुमार की बात करें 1990 में, तो 1990 में इनका दल क्या बन गया था, भारतीय जनता पार्टी दल बन गया था। यहाँ पे भी देखिए शांता कुमार के बारे में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि उन्होंने 5 ईयर्स का टेन्यूर अपना कभी भी पूरा नहीं किया है, पहले 3 वर्ष मिले इन्हें और यहाँ पर देखिए 2 ही वर्ष इन्हें मिले। इस तिथि को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है कि जो शांता कुमार के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में 1990 में किसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी, ये पहला ऐसा राज्य है जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, ठीक है, क्लियर। उसके बाद प्रेम कुमार धूमल जी आए थे शांता कुमार जी को पछाड़ के, तो वो 1998 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। इनका दल कौन सा है, भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद जो 6 नए चेहरे वर्तमान समय में मंडी जिला से है, मंडी जिला पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उनका नाम है माननीय श्री जयराम ठाकुर जी।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे 6 के 6 मुख्यमंत्रियों के बारे में थोड़ी सी डिस्कशंस। आइए अभी अकाल के बारे में विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए थे वो 1952 आपने याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को आप लोग देख पा रहे हैं, जो कि सिरमौर जिला से संबंधित थे। इन्हें हिमाचल निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। इनका दल क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ये क्या हुआ था, पहले मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के बने थे। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे 1953 से लेके 1963 तक विधानसभा को भंग कर दिया गया था, और यहाँ पे पुनः इनकी वापसी हुई। देखिए, पहले कहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा था, एमएलए कहाँ से थे, पछाड़ से थे। जब दूसरी बार देखिए यहाँ पे वापसी इनकी होती है, तो ये कहाँ से चुनाव लड़ते हैं, रेणुका से चुनाव लड़ते हैं। देखिए, कब इनकी वापसी हुई थी, 1963 में इनकी वापसी यहाँ पे हुई थी, ठीक है। उसके बाद ये 1970 तक यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे। देखिए, इनके बाद यदि जो उनके उत्तराधिकारी की बात करें, वो भी ये सिरमौर जिला से थे, पहले मुख्यमंत्री श्री यशवंत सिंह परमार जी। दूसरे की बात करें ठाकुर रामलाल जी, तो रामलाल जी का संबंध कहाँ से था, शिमला के जुब्बल कोटखाई से, यहाँ से उन्होंने चुनाव जीता था और हिमाचल प्रदेश के दूसरे व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री बने थे। ज़्यादा समय तक ये मुख्यमंत्री नहीं रह पाए थे, महज 93 डेज तक ये मुख्यमंत्री रहे थे। यदि इनका दल देखें तो इनका दल कौन सा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से ये संबंधित थे। उसके बाद आगे देखिए, आप हिमाचल प्रदेश में यदि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था, तो आपने याद रखना है 1977 में जब राष्ट्रीय एमरजेंसी लगाई गई थी, तो उस टाइम हिमाचल प्रदेश में भी क्या था, एमरजेंसी लगाई गई थी, राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लगाया गया था। तो यहाँ पे उस टाइम कोई भी दल, कोई भी किसी दल का भी जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो कोई भी दल सत्ता में नहीं रहता है। उसके बाद देखिए, जैसे ही यहाँ पे एमरजेंसी लगी, तो यहाँ पे ये उम्मीद जताई, जब कांग्रेस के अगेंस्ट वेव्स चल रही थी पूरे देश में, तो हिमाचल प्रदेश में भी सत्ता का परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो जो हिमाचल प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन हुआ, उसका जो नेतृत्व करने का दायित्व मिला, वो कांगड़ा के श्री शांता कुमार जी को मिला, ठीक है। इन्होंने एमएलए फॉर सुलहा, सुलहा विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने चुनाव लड़ा था। हो सकता है डियर स्टूडेंट्स, आपको एचएस के एग्जाम में जो इनका प्रथम एमएलए का चुनाव लड़ा था, जितने 6 मुख्यमंत्री है इनका आगे क्रॉनिकल ऑर्डर्स में दिया हो, या इनको आपने मैचिंग में करना हो, ठीक है, कि कौन सा चुनाव, जब ये मुख्यमंत्री तो कहां से उन्होंने चुनाव लड़ा था, या इनका क्षेत्रीय जिला कौन सा है, इन चीजों को आपने याद रखना है। इस तरह के बहुत ज्यादा प्रश्न कंपिटेटिव एग्जाम में अभी पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, 1970 से लेकर 1980 तक जनता पार्टी की सरकार रही थी हिमाचल प्रदेश में, जिसका नेतृत्व किया था श्री शांता कुमार जी ने। परंतु 1980 में हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए और यहाँ पे जनता दल अपनी सत्ता को कायम रखने में असफल रहा। और देखिए, जो हिमाचल प्रदेश के दूसरे व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री बने थे जुब्बल कोटखाई जिला शिमला से, उनकी पुनः वापसी होती है यहाँ पर। 3 वर्ष तक देखिए इन्होंने हिमाचल प्रदेश को मुख्यमंत्री के तौर पर इस कुर्सी को संभाला, तो ये आपने याद रखना है यहाँ पे। उसके बाद करें 1983 के बाद, तो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा नेता आता है जो कि 7 बार हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बना। तो यहाँ पे देखिए, जो ये ठाकुर रामलाल जी थे, इन्हीं की सीट से चुनाव लड़ा गया। किसने लड़ा? माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी ने चुनाव लड़ा और 1983 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये मुख्यमंत्री बने, ठीक है। पहला टेन्योर इन्होंने 1983 से 1985 के बीच में किया, उसके बाद 1985 से 1990 के बीच में फुल टेन्योर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर पूरा किया। 1990 में हिमाचल प्रदेश में फिर से क्या हुआ, यहाँ पे जो एक दल से दूसरे दल में सत्ता का हस्तांतरण था, किसी भी दल को, इसके बाद हम लोग देखेंगे। देखिए, 1983 के बाद या यहाँ से 1983 1990 के बीच में आप लोग आ जाइए, इसके बाद किसी भी एक दल को रिपीट करने का मौका हिमाचल प्रदेश में नहीं मिला है, ठीक है। लेकिन 1990 की बात करें तो 1990 में जो कांगड़ा जिला के से पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने शांता कुमार जी, उनकी पुनः वापसी होती है। पर अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो चेंज हो चुका है। पहले कहाँ से लड़े थे? सुलहा से लड़े थे। अब कहाँ चले गए हैं? पालमपुर से चुनाव इन्होंने लड़ा है और हिमाचल प्रदेश में प्रथम भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन्होंने स्थापित की। लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ पे भी ये 2 वर्ष तक की सत्ता में कायम रहे। उसके बाद 1992 में आपको पता होगा, बाबरी जो मस्जिद थी उसको ढहा दिया गया था। उसके बाद पूरे देश में क्या हो गया, प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, और उसके बाद फिर से जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में इनकी जो लहर बनी थी, उससे उनको फिर से हाथ धोना पड़ा।
और उसके बाद पुनः हिमाचल प्रदेश में जो मैं दल बदल का जो प्रति यहाँ पे चलता रहा, किसी भी दल को सत्ता रिपीट नहीं हो रही थी। तो 19 यहाँ पे देखिए आप 1993 में कांग्रेस को पुनः सत्ता मिली, लेकिन अब यहाँ पे गौर से देखिए पहला चुनाव इन्होंने जुब्बल से लड़ा था और यहाँ पे अब कहाँ चले गए हैं, एमएलए फॉर रोहडू जो शिमला जिले का क्षेत्र है, रोहडू विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने 1953 त्रेप सॉरी माफ कीजिएगा 1993 में श्री वीरभद्र सिंह जी ने चुनाव लड़ा और यहाँ पे 5 वर्ष तक हिमाचल प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार इन्होंने देश में बनाई, सॉरी प्रदेश में बनाई। लेकिन मैंने बोला है कि 1990 के बाद 1983 से लेके 1990 के बीच में जो कांग्रेस की सत्ता रही उसके बाद दल परिवर्तित होता रहा, 5 वर्ष एक पार्टी 5 वर्ष दूसरी पार्टी सत्ता में आती रही। तो 1998 के चुनावों की बात करें तो यहाँ पे शांता कुमार जी को पछाड़ कर भारतीय जनता पार्टी के एक नए नेता आए, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी, जो कि चुनाव कहाँ से लड़ते थे, बमसन से चुनाव लड़ते थे। और यहाँ पर देखिए उन्होंने पूरे 5 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनाई 1998 से लेकर 2003 तक। फिर से इनको सत्ता प्राप्त नहीं हुई और 1903 में कांग्रेस के दिग्गज प्रतिनिधि जो कि एमएलए रोहडू थे, माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी, इनकी वापसी हुई और 3 से लेकर 7 तक इन्होंने पुनः हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई। फिर से सत्ता इनसे हस्तांतरित हुई और 2007 से 12 के बीच में जो बमसन से एक नए नेता हिमाचल प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी दल के रूप में उभरे थे, उन्होंने पुनः यहाँ पे 5 वर्ष तक हिमाचल प्रदेश में सत्ता का संचालन किया। यदि उसके बाद हम लोग 1912 की बात करें तो पुनः दल परिवर्तन हुआ, कांग्रेस को सत्ता मिली। पर यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे जो माननीय मुख्यमंत्री है इनका जो चुनाव लड़ने का क्षेत्र था वो बदल गया, कहाँ चला गया, रोहडू से कहाँ आ गए, एमएलए फॉर शिमला रूरल में चले गए, ठीक है। और यहाँ से 12 से लेके 17 तक 27 दिसंबर 2017 तक के हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, जिनका दल कौन सा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी था। इसके बाद देखिए जो अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए, जहाँ हिमाचल प्रदेश में 13वीं विधानसभा का गठन किया गया, इसमें एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन आया, ठीक है। परिवर्तन ऐसा आया कि सत्ता परिवर्तित हुई, यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से किस दल को मिली, भारतीय जनता पार्टी को। हिमाचल प्रदेश की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया, 44 सीटें उन्हें प्राप्त हुई हिमाचल प्रदेश में आउट ऑफ 68 सीटों में से। और इनके जो चुनाव अभियान था भारतीय जनता पार्टी का, उसमें यह घोषणा की गई थी कि इनके जो मुख्यमंत्री बनने थे वो हमीरपुर जिला के प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को बनाना था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो चुनाव हार गए और उसके बाद जो मुख्यमंत्री की सीट थी वो मंडी जिला के दिग्गज एमएलए जो कि पांचवीं बार हिमाचल प्रदेश में की विधानसभा में चुनकर आए थे, जिनका जो चुनाव का क्षेत्र था वो सिराज था, और पहली बार ये मंडी जिला से मुख्यमंत्री बनाया गया। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 1957 में करम सिंह ठाकुर थे मंडी से, उन्होंने मुख्यमंत्री की दावेदारी की थी, उसके बाद पंडित सुखराम जी ने दावेदारी की थी, उसके बाद कौल सिंह ने दावेदारी की थी, ये सारी दावेदारियां सफल साबित हुई। लेकिन यहां पे जो 2017 में चुनाव हुए और 27 दिसंबर 2017 को जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली गई, वो मंडी जिला के श्री जयराम ठाकुर जी ने यहाँ पे मुख्यमंत्री की शपथ ली। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसलिए ये लेक्चर महत्वपूर्ण था क्योंकि हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए हैं और एक मुख्यमंत्री की जो सीट है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि चुनाव से पहले किसी और को चुना गया था लेकिन वो सीट को हार गया, उसके बाद सत्ता जिस दल को प्राप्त हुई थी उसी दल के मंडी जिला के प्रथम बार मुख्यमंत्री बने थे। तो यहाँ से जो मेरा अनुमान है, आपको कंपिटेटिव एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर मिलेंगे। 14 मिनट के इस लेक्चर में यदि आपको 2 प्रश्न आपके क्लियर हो जाते हैं, इसके साथ में जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, जो इंडियन पॉलिटी का सेक्शन रहता है हमारे पास, उसी के अंडर एचपी की जो पॉलिटिक्स आती है इंटरलेट करके, तो आप हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का स्ट्रक्चर आपके ब्रेन में बन गया है, एक इनका क्रॉनिकल ऑर्डर्स आपके दिमाग में बैठ गया है, कहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ा था वो आपके दिमाग में बैठ गया है, कब कौन कौन से कितने टाइम के लिए मुख्यमंत्री रहा वो स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठ गया है। अब आप इस यहाँ पे प्रिलिमरी के लिए भी काम कर सकते हैं, फैक्ट्स के ऊपर मेन भी लिख सकते हैं, और इंटरव्यू के लिए भी आपके पास स्ट्रक्चर होगा।
कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इतने मुख्यमंत्री अभी तक रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं पुनः आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप लोगों को ये मेरा चैनल अच्छा लग रहा है कि आपकी हेल्प कर रहा है, कम समय में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी यदि आप लोग इस चैनल से प्राप्त कर पा रहे हैं, और आने वाले समय में आपको प्रॉमिस करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर हम और भी बेहतर इसको बनाएंगे, तब तक आपको एक काम करना होगा, जितने आपके फ्रेंड सर्कल है उन सब लोगों तक इस यूट्यूब चैनल को पहुँचाना होगा, ताकि जो हमारी एक फ्री स्टडी की हुई है हम इसको और भी बेहतर बना सकें। की वॉचिंग लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल्स। थैंक यू वेरी मच।